अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एशियन कुजीन। आज मैं आपको गोला कबाब की रेसिपी बताऊंगी कि घर में गोला कबाब किस तरह बनाए जा सकते हैं, राइट। उसके लिए मैंने ये अंडर कट गोश्त लिया है, बीफ है ये, और ये 500 ग्राम है, आधा किलो है, राइट। अच्छा, ये मसालों में जाएगा जनाब 1 टीस्पून किसी भी लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जनाब ये चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और ये जिंजर पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये जनाब 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, राइट। और ये मीट टेंडराइज़र है 1/2 टीस्पून, राइट। और जनाब ये है चने का आटा, चने का आटा जो होते हैं ये भुने हुए चने, उनको मैंने पीस लिया है, ये 1 टेबल स्पून है, और 1 टेबल स्पून ये कॉर्नफ्लोर जाएगा इसमें, और जनाब ये जाएगा अदरक जाएगा 1 इंच का टुकड़ा, 8-10 लहसुन के जेबे जाएंगे, और ये साबुत लाल मिर्चें 6 अदद ये जाएंगी, और 1 ब्रेड स्लाइस इसमें जाएगा। ये सब चीज़ें हम इसमें डालकर पीस लेंगे, लास्ट में हम इसमें हरा मसाला ऐड करेंगे। हम ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे गोश्त में, राइट, अच्छी तरह डाल के, और इसे हम चॉपर से निकाल लेंगे, और उसके बाद हम ये 1/4 चम्मच जो है टीस्पून वो है मीट टेंडराइज़र ज़रूर लगाइएगा, सॉफ्ट अच्छे लगते हैं। सारे मसाले डालकर हम इसको जनाब चॉपर से निकाल लेंगे, राइट। गोला कबाब बहुत टेस्टी होते हैं, आपने खाए होंगे, ये चाट मसाला है, ये इसमें खटाई का काम करेगा, राइट। ये जनाब चंभुने में चने का आटा है 1 टेबल स्पून, ये कॉर्न स्टार्च, ये बाइंडिंग एजेंट है, ये इसको इनको बाइंड रखेगा, राइट। दही चाहिए हमें 1 टेबल स्पून पानी के बग़ैर, सही है, हम पानी हटा के इसमें ये इनको सॉफ्ट रखेगा, दही 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून, राइट। ये हम सब चीज़ें चॉपर में डालकर और इनको हम निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे, राइट। ये देखें, हमने ये चॉपर से निकाल लिया है सारे मसाले डालने के बाद, राइट। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ये हरा मसाला ऑप्शनल है, 1 हरी मिर्च है, और ये हरा धनिया है, ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो डालें, नहीं पसंद तो आप मत डालिएगा। अच्छी तरह मिक्स करके हम इसके अब गोला कबाब बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए ये पेंसिल, क्योंकि बीच में हमें सुराख चाहिए, जैसे है कि बाज़ार के होते हैं, और अगर आपको बिल्कुल ही बारबेक्यू वाला टेस्ट चाहिए तो आप कोयले का धुआं इस टाइम इसमें दे सकती हैं। आप कोयला गर्म करें, उसको बीच में रखें, और उसके ऊपर ऑयल के 1-2 ड्रॉप आप डालेंगी, तो फिर ये है कि ना कोयले का भी इसमें फ्लेवर आ जाएगा, राइट। अब हमें करना ये है कि हमने एक नई पेंसिल ली है मैंने साफ सुथरी सी, इसके ऊपर गोला बना के उसके कबाब बना के रेडी करेंगे। आपको जितना बड़ा साइज़ चाहिए उतना लें, बच्चे छोटे खाना पसंद करते हैं तो आप छोटा साइज़ ले लें, ये कोफ्ते की तरह के होते हैं बिल्कुल गोल। ऐसे बना बना के हम रखते जाएंगे, ये देखिए बीच में इसके फूले भी नज़र आ रहे हैं, तो हम सारे बना बना के रख लेंगे, उसके बाद हम इसको तल के भी आपको दिखाएंगे। ऐसे लें आप जैसे कोफ्ता हम बनाते हैं, राइट, जैसे कोफ्ता बनाया जाता है बिल्कुल वैसे लें आप, इसको गोल करें, बीच में से पेंसिल गुजारें, और अच्छी तरह से इसको स्मूथ कर लें, क्रैक्स नज़र ना आए इसके, मीट टेंडराइज़र की वजह से बहुत सॉफ्ट हो गए हैं ये, और बहुत टेस्टी कबाब होते हैं। आप इसे पुलाव के साथ भी सर्व कर सकती हैं, सिर्फ रायते के साथ भी आप इसे सर्व कर सकती हैं, राइट। ज़रा हम सारे बना लेंगे, उसके बाद मैं आपको तलना बताऊंगी कि इसको हम किस तरह फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल हल्की आंच पे तले जाएंगे और बहुत जल्दी गलने वाले हैं, क्योंकि इसमें मीट टेंडराइज़र लगा दिया है मैंने। ये देखिए, मैंने सारे कबाब अब रेडी कर लिए हैं, इनको मैं 10-15 मिनट फ्रिज में रखूँगी, ताकि जो मैंने इसमें मीट टेंडराइज़र और दूसरी चीज़ें लगाई हैं वो इस उनका ज़ायका इसमें इन्हेंस हो जाए, राइट। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, हमारे कबाब अब सेट हो चुके हैं, 15-20 मिनट मैंने इन्हें फ्रिज में रखा था ताकि थोड़े सख्त हो जाए। अब हम इसे ग्रिल पैन में तलेंगे, ग्रिल पैन में, ताकि इसके निशान अच्छे आ जाए इनके ऊपर ग्रिल के, राइट। और ये शैलो फ्राई होंगे, ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं होते ये, जैसा चाहे आप जिस तरह का
लाइनिंग इसके ऊपर चाहिए उसी तरह आप उसी शेप उसमें डायरेक्शन में रखिएगा। ये सारे ही कर लेंगे। पैन हमारा बड़ा है, बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी होते हैं, और मीट एंड ड्राइवर लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। राइट, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब ये एक तरफ से हो जाएंगे हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें हमारे एक तरफ से हो गए हैं, अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। लेकिन कितना खूबसूरत इसके ऊपर शेप आया है, आप जैसा चाहें शेप इस पर बना सकती हैं। ग्रिल पैन में ये फ़ायदा होता है, नॉर्मल पैन में भी आप कर सकती हैं। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप नॉर्मल पैन में कर लें। बहुत सॉफ्ट कबाब होते हैं, प्याज से इसको कीजिएगा। देख सकते हो खूबसूरत लग रहे हैं। आप इनको पराठों के साथ, अगर वो जो तले हुए पराठे होते हैं जो हम अक्सर मेहंदी माइयों में खाते हैं, उन पराठों के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये रायते के साथ, केचप के साथ बच्चों को दें, बहुत टेस्टी होते हैं ये, बहुत मज़े के होते हैं। आप मेरी रेसिपी से ट्राई करके देखिएगा। ये सारे पर रख देंगे, जब दोनों तरफ से हो जाएंगे तब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। राइट, ये देखें हमारे कबाब अब दोनों तरफ से हो चुके हैं, अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। राइट, अच्छी से प्लेट में निकालें और इसको आप चाहें तो इसको बनाने के बाद आप इन्हें फ्रीज भी कर सकती हैं, या आप तलने के बाद भी फ्रीज कर दें। तलने से पहले भी आप फ्रीज कर सकती हैं इसको, जब भी चाहा बच्चों का निकालना और फ्राई किए और खा लिए। बहुत शानदार और बहुत मज़े के कबाब होते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए आप पराठे बनाएं, जो बाज़ार के पराठे होते हैं। तो सारे निकालने से प्लेट में आप इसको जैसे चाहें आप इसको फ्रीज कर सकती हैं, तलने के बाद भी फ्रीज कर सकती हैं और तलने से पहले भी। राइट, ये देखें हमारे गोला कबाब रेडी है, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे रायते के साथ, सलाद के साथ और पराठों के साथ सर्व कीजिएगा। प्लेन राइस के साथ भी ये सर्व किए जा सकते हैं, और मेयोनीज़ केचप के साथ बच्चे खाना पसंद करेंगे। राइट, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।